बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। हमारे साथ नवनिर्वाचित मंत्री, हालांकि ये पूर्व में भी ये मंत्री पद पर रहे हैं, और हमारे साथ निर्वाचित मंत्री नरेंद्र नारायण यादव हैं, जो लघु सिंचाई एवं विधि मंत्री इनको बनाया गया है। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपको बहुत सारा हमारी तरफ से बधाई हो। आपकी बधाई को मैं स्वीकार करता हूँ। नरेंद्र जी, ये कहना था, जो आप इससे पहले भी मंत्री रहे हैं, इस बार के मंत्री पद के दायित्व में क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप मतलब वाहन करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी? पत्रकार महोदय, जो दो विभाग है, लघु जल संसाधन और विधि विभाग, लघु जल संसाधन में मेरी प्राथमिकता होगी कि जो राजकीय नलकूप बंद पड़े हुए हैं, चाहे वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो या मैकेनिकल फॉल्ट हो या क्षतिग्रस्त नाली हो, तो हम चाहेंगे कि इस सुखार की स्थिति में अविलंब उसको दुरुस्त किया जाए, उसको चालू किया जाए, ताकि किसानों की खेत में सिंचाई हेतु पानी जा सके आके, और सस्ता एवं सुलभ न्याय, ये मेरी प्राथमिकता होगी। मैं उस विभाग का पूर्व में भी मंत्री रहा हूँ, और मेरा ये प्रयास होगा कि जहाँ अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का भवन का निर्माण नहीं हो पाया है या जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है, तो प्राथमिकता के आधार पे जो अनुमंडल व्यवहार न्यायालय है उसके भवन का निर्माण हम करावें, और उसके लिए जो आवश्यकताएं हैं उसका अविलंब निराकरण करें, ताकि लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। पत्रकार जी, आके मंत्री जी, आप मधेपुरा कालम नगर से आते हैं, आपके मंत्रालय के अधीन क्या कुछ मधेपुरा के लिए खास रहेगा, पूरे बिहार के साथ साथ क्या कहेंगे? देखिए, मंत्रालय तो पूरे बिहार के लिए है, लेकिन मधेपुरा जिला में जो पहले से राजकीय नलकूप है, बहुत जगह बंद पड़ा हुआ है, मेरी ये प्राथमिकता होगी कि किसानों के हित में अविलंब उसकी मरम्मती हम करावें, और किसान के खेत तक सहजता से पानी पहुंचे, ये मेरा प्रयास रहेगा। मंत्री जी, एक सवाल था मेरा यहाँ पे, जैसे कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में आप इससे पूर्व मंत्री रहे हैं, मांझी जी के भी कार्यकाल में आप मंत्री रहे हैं, जो इस बार जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, इसको लेकर नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं प्रयास करूँगा कि दोनों विभाग की जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, पूरी ताकत और विश्वास के साथ जो विभाग के कार्यक्रम हैं, जो सरकार की नीति है, जो सरकार का कार्यक्रम है, जनता के हित में उसको हम सरजमीन पर उतारें। ऐसे इस देश के महान समाजवादी चिंतक विचारक कहा, डॉक्टर रामनर लोहिया कहा करते थे कि जो पार्टी सत्ता में हो वो कम बोले उसका काम बोले आगे। इसी विचार पर हम लोग चलेंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के विकास में लगे रहते हैं, कैसे बिहार का ग्रोथ रेट बढ़ाया जाए, हिंदुस्तान के पैमाने पर इस राज्य को विकसित राज्य में सम्मिलित किया जाए, और उनके सपनों को हम साकार करने का प्रयास करेंगे। छोटा सा पॉलिटिकल सवाल मंत्री जी, जैसे कि एनडीए में जो अभी की गतिविधि जो सुनने को मिल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे, जो एकजुटता है या फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुगबघाट हुई है? इस बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय नीतीश बाबू सारी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं पत्रकार बंधुओं के बीच में, और सब देख रहे हैं, सारे लोग एक जगह हैं, सब लोग राज्य के हित में काम कर रहे हैं। आके अब विपक्ष को जो कहना है उस स्वतंत्र है कहने के लिए आगे, लेकिन अपने यहाँ एनडीए पूरी मजबूती के साथ बना हुआ है, और बिहार के हित में एनडीए काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ है, मांझी जी एक दूसरे के घोर विरोधी माने गए थे, लेकिन कल की प्रचार पार्टी में आपके यहाँ मांझी जी का भी आगमन होता है, क्या कहेंगे, मांझी जी आने वाले हैं एनडीए में, या फिर ये क्या थी, मतलब इसके पीछे कुछ राजनीतिक खिचड़ी तो नहीं पक रही है? पत्रकार जी,
अवतार पार्टी होती है, हर दल के बड़े नेताओं को उसमें आमंत्रित किया जाता है। हज भवन में जदयू ने अवतार पार्टी रखी थी और उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू ने आयोजन कर किया था, तो इसी परिप्रेक्ष्य में उन्हें भी आमंत्रण दिया गया था और वो उसमें आए थे। और उन्होंने जो अवतार पार्टी आयोजित करेंगे वो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जो कि निमंत्रण देने आए थे। एनडीए में यूं कहें जो सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, आप देख ही रहे हैं, सारे लोग थे कल वहाँ। ये हमारे साथ बात करने के लिए नरेंद्र यादव जी थे, जिनका कहना था जो हमें हमारे ऊपर जो नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है हम उस पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ अंशु झा, अजय भारत।